चारू के साथ खड़ी होगी अभीरा, दुनिया के सामने लेकर आएगी वो नीरज का घटिया चेहरा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहाँ आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सगाई के फंक्शन से, जहाँ फैमिली फोटो के लिए सभी अरमान और अभीरा को खोज रहे हैं। कितने में ही बड़े से गिफ्ट के साथ क्रिश घर में आता है और उसे जैसे ही खोलते हैं तो इसमें से अभीरा और अरमान निकलते हैं और वो दोनों चारू को एक सरप्राइज देते हैं जिसमें वो उसके लिए प्यारा सा डांस करते हैं। हालांकि ये सब बस उन्होंने चारू की खुशी के लिए ही किया है। इसके बाद अभीरा को डॉक्टर का कॉल आता है और अभीरा एक बार फिर से इमोशनल हो जाती है, लेकिन अरमान सुबह 9 बजे क्लिनिक जाने की अपॉइंटमेंट को फिक्स कर देता है और उसके बाद वो अभीरा को संभालता है। अब अभीरा की हालात से रूही, मनीष और दादी सा समेत बाकियों को भी लग रहा है कि कुछ तो बात जरूर है। ऐसे में मनीष अरमान को कॉल करके उसे और अभीरा को घूमने आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन अरमान झूठ बोलकर मनीष को मना कर देता है। हालांकि मनीष और स्वर्णा समझ गए हैं कि अरमान झूठ बोल रहा है। उधर अभीरा अपने आप को अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं कर पा रही। वहीं आगे आप देखेंगे कि हॉस्पिटल जाने से पहले अभीरा दादी सा के कमरे में जाती है, जहां दादी सा उससे पूछती हैं कि आखिर क्या बात है, बताओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब यहां अभीरा दादी सा को कुछ नहीं बताती पर उनका आशीर्वाद लेती है। दादी सा पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई केस है आज। इस पर अभीरा कहती है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी केस है, जो अरमान चाहता है कि वो जीते, पर अभीरा चाहती है कि पहली बार ऐसा हो कि वो कोई केस हार जाए। अब ये सुनकर दादी सा उसे पहली बार उसके नाम से पुकारती है और फिर इसे बड़े प्यार से गले लगा देती हैं और कहती हैं कि आज तुम जीतो या हारो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वहीं आगे आप देखेंगे कि अभीरा बिना प्रोसीजर कराए हॉस्पिटल से भागकर आ जाएगी और इसके बाद अरमान और अभीरा के बीच फिर से कहासुनी होगी। लेकिन उधर दूसरी तरफ चारू के साथ नीरज कोई बदतमीजी करने वाला है और उसे मारने भी वाला है। जी हाँ, ये बात अभीरा को पता चल जाएगी और इसके बाद अभीरा और अरमान चारू के लिए लड़ते नजर आएंगे। वहीं आने वाला एपिसोड में आप यही देखेंगे कि चारू अपने शरीर पर मारपीट के निशान दिखा रही है और ऐसे में अभीरा अरमान से कहती है कि हमें इस वक्त चारू के साथ खड़ा रहना चाहिए। वेल, अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर नीरज ने चारू के साथ ऐसा क्यों किया और क्या अभीरा और अरमान अपनी सारी तकलीफ भुलाकर चारू के साथ इंसाफ करेंगे। वेल, ये तो अब देखना होगा टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में ही, जिसमें कहानी होने वाली है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।